जय श्री महाकाल। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजदीप मंडलोई डरपोक है। दरअसल आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप, चयन सीके और राजदीप मंडलोई तीनों एक अच्छा दोस्त था, लेकिन दुर्लभ कश्यप के गुजरने के बाद बताया जाता है कि चयन सीके, जो कि दुर्लभ कश्यप की गैंग को संभालना शुरू कर दिया। आज के समय में चयन सीके जेल में है, लेकिन राजदीप मंडलोई जो कि जेल से बाहर है। और आज के इस वीडियो में आपको हम एक और बात बताएंगे कि चयन सीके का एक वीडियो जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, तो उस वीडियो का सच्चाई क्या है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने कहा था कि भाई शाहनवाज खान जिंदा है या फिर मर गया, तो वो भी आपको बताऊंगा। और शाहनवाज खान जो कि आज के समय में जिंदा है भाई साहब, लेकिन आपको बता दें कि शाहनवाज खान चयन सीके की गिरफ्तारी के बाद क्या बोला, उसका क्या फीलिंग्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर बदमाश अनिल दीक्षित हत्याकांड की वजह से ही चयन सीके जो कि जेल चला गया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले चयन सीके का दोस्त सानू सागर, जिसके साथ बताया जाता है कि अनिल दीक्षित का मुठभेड़ हुआ था, यानी कि दोनों के बीच आपसी रंजिश की वजह से झगड़ा हो गया। और बताया जाता है कि दोनों के झगड़े की वजह से चयन सीके ने अनिल दीक्षित को गोली मार दिया, और अनिल दीक्षित के मरने के बाद चयन सीके फरार हो गया। दरअसल बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई चयन सीके अमीर था या फिर गरीब था। आपको बता दें कि चयन सीके काफ़ी अमीर था। चयन सीके के पिताजी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन चयन सीके के पास इतना प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो आपराधिक कामों में अपना कदम आगे बढ़ा दिया। आपको बता दें कि चयन सीके के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी फेमस होना चाहता था। यहाँ तक कि चयन सीके ने खुद भी कहा था कि भाई मैं इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहता हूँ। लेकिन आपको बता दें कि चयन सीके जो कि खुद को फेमस करने के लिए बड़ा बड़ा शौक पालने लगा, और अपने शौक को पूरा करने के लिए बताया जाता है कि चयन सीके जो कि लोगों से कर्ज भी लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि चयन सीके ने कर्ज लेकर के काफ़ी रुपया जमा किया, लेकिन बाद में उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा। वो रुपया इसलिए नहीं बचा क्योंकि चयन सीके को पता ही नहीं था कि भाई साहब रुपया का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और हम जानकारी देना चाहते हैं। मान लो कि आपके पास बहुत सारा रुपया है, या फिर मान लो कि आपके पास बहुत कम ही रुपया है, लेकिन आप उन रुपयों का सही इस्तेमाल कैसे कर पाओगे, इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है कुकू FM। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंडिया का एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुका है, और इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है। अब जानते हैं कि इस एप्लीकेशन पर है क्या। देखो, कुछ समय पहले मैं भी सही से अपने रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, इसीलिए मैंने इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करा। मुझे पता चला कि भाई कुकू FM नाम का भी कोई एप्लीकेशन है, जहाँ की हर तरह की चीज़ें मिलती है, हर तरह की कहानियाँ, हर तरह की सीख आपको यहाँ मिलेगी। तो फाइनली मैंने एक ऑडियो बुक था जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो मैंने उसे सुना, और उसके बाद आपको बता दूँ कि मैं अपने रुपयों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए ये एप्लीकेशन इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग अपने ज़िंदगी में नया नया चीज़ सीख पाओ। तो यहाँ पर लगभग हज़ारों से ज़्यादा ऑडियो बुक अवेलेबल है, जिन ऑडियो बुक को सुनकर के आप सही सही सीख ले सकते हो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो देर किस बात की है, जहाँ आपको कुकू FM का सब्सक्रिप्शन लेने में 399 लगता है, यदि आप हमारे इस SARK50 कोड को यूज़ करते हो तो उसके बाद आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की है, जाओ डाउनलोड करो और ज़िंदगी में अच्छा अच्छा सीख लो। तो चलो यार, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सीके, जो कि आज के समय में गरीब हो चुका है, और बताया जाता है कि चयन सीके जब अनिल दीक्षित का हत्या करने के बाद वो भाग गया था, और वो जंगल में छिपा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि अनिल दीक्षित हत्याकांड के बाद चयन सीके ने एक वीडियो भी बनाया था, जिस वीडियो के माध्यम से उसने बताया था कि भाई साहब मेरा ज़िंदगी बहुत बर्बाद है। हालांकि अगर मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा तो उस वीडियो में आपको कुछ ऐसा चीज़ सुनने को मिलेगा जो मैं सुनाना नहीं चाहता हूं। तो चयन सीके उस वीडियो में खुद को गाली दे रहा था, कह रहा था कि दुर्लभ कश्यप की वजह से मेरा ज़िंदगी झंड हो चुका है। आपको बता दें कि चयन सीके जो कि दुर्लभ कश्यप का बदला लेना चाहता था, लेकिन फाइनली वो आज के समय में गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई, जो कि आज के समय में जेल से बाहर इसलिए है क्योंकि राजदीप मंडलोई जो कि दिमाग का काफ़ी शातिर है, ऐसा नहीं है कि चयन सीके शातिर नहीं था, लेकिन राजदीप मंडलोई जो कि समझदार है, राजदीप मंडलोई जानता है कि भाई आपराधिक काम करेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, इसीलिए आज के समय में राजदीप मंडलोई जो कि अपराध से काफ़ी दूरी बनाकर रखता है। अब आगे चर्चा करते हैं शाहनवाज खान के बारे में। बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन शाहनवाज खान, जो कि आज के समय में काफ़ी खुश होगा क्योंकि चयन सीके काफ़ी समय से कह रहा था कि हम शाहनवाज खान से पहलवान का बदला लेंगे। आपको बता दें कि चयन सीके जो कि इस बात को कहते हुए आज के समय में जेल चला गया, क्योंकि चयन सीके जो कि बदला तो नहीं ले पाया। आपको बता दें कि शाहनवाज खान के एक YouTube अकाउंट पर बताया जाता है कि एक वीडियो आया था,
जिस वीडियो में कि चयन सिके को दिखाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि चयन सिके ने अपने इंस्टा अकाउंट पर वो वीडियो नहीं डाला था, जिस वीडियो में चयन सिके का पूरा शरीर खुला हुआ है और चयन सिके जंगल में दर बदर भटक रहा है, कह रहा है भाई मेरे पास ना खाने के पैसे हैं, ना मेरे पास पहनने को कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, जिंदगी बद से बदतर हो चुका है। तो आपको बता दें कि चयन सिके जो कि अपने जिंदगी से काफ़ी परेशान हो चुका था और चयन सिके ने कहा कि यदि आपराधिक काम करेंगे तो सबके साथ ऐसा ही होगा। तो भाई इस वीडियो को तो मैं नहीं दिखाया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप आपराधिक काम करोगे और यदि आप बड़ा बड़ा सपना पालोगे वो भी अपराध के सहारे, तो आपका सपना वो कभी भी साकार होने वाला नहीं है। तो बस आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आपको बता दें कि शाहनवाज खान जो कि आज के समय में काफ़ी खुश ही होगा, क्योंकि शाहनवाज खान भी चाहता होगा कि चयन सिके किसी भी तरह से गिरफ्तार हो जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई आप में से बहुत सारे लोग हो जो कि आपराधिक काम करने के लिए हमेशा चाहते रहते हो, ऐसा नहीं करना है, अच्छा काम करो। और देखो चयन सिके आपराधिक रास्ता चुना तो आज के समय में अपने ज़िंदगी से पूरी तरह से परेशान हो चुका है और आज के समय में वो जेल में बंद है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कभी भी आपराधिक काम करके जेल चले जाओ, बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो और वो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे दबा देना, उससे सब्सक्राइब भी हो जाएगा। तो इस तरह की और भी बहुत सारी खबरें मैं आपको सुनाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखना कि क्या आपराधिक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे बताना। हालांकि मैं तो कहूँगा कि कभी भी आपराधिक काम नहीं करना चाहिए।